यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कांग्रेस और जेडीएस का चुनावों से पहले ही गठबंधन हो चुका था। येदियुरप्पा जी ने अपने भाषण के द्वारा एक कैसे लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए यह साबित किया और एक उच्च लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की और इस्तीफा दिया। लेकिन उसी समय कांग्रेस ने इसकी सराहना करने के बजाय सिद्धरमैया ने कहा कि ये नाटक है और गुलाम नबी आजाद ने तो आरोप लगाया हम पर कि भाई इन्होंने तो खरीद फरोख का प्रयास किया। अरे खरीद फरोख अगर करते तो साथ ही एमएलए चाहिए था ना, तो एक भी अगर खरीद फरोख नहीं की इसीलिए तो हमने इस्तीफा दिया।